नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस बात पर फैसला नहीं दिया कि ईडी केस में गिरफ्तारी सही थी या गलत। कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच को भेजने की सिफारिश की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि उन्हें सीबीआई भी गिरफ्तार कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बातचीत करते हुए सुशील गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है, भाजपा के षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी राजनीतिक दुर्भावना से ग्रस्त थी। सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल को रोक नहीं पाएगी और वे जल्द ही बाहर आएंगे और बाहर आकर 10 गुना स्पीड से लोगों का काम करेंगे। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास ओहल्याण की रिपोर्ट। राउस एवेन्यू कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, दोनों कोर्टों के फैसले जमानत के साबित कर देते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी की है वो अवैध थी, राजनीतिक दुर्भावना से ग्रस्त थी, आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक षड्यंत्र था, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक षड्यंत्र था। राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि फर्जी मामला है, इस मामले में कोई लेन देन नहीं हुआ, एक रुपए की एक 25 पैसे की भी कोई रिकवरी नहीं हुई, दूर दूर तक इस केस का अरविंद केजरीवाल से कोई संबंध नहीं है। परंतु भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान थी, उसके कामों को रोकना चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिना किसी सबूत के एक झूठे केस में जेल के अंदर बंद रखना चाहती है। जब राउस एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी तब ये बहुत स्पष्ट तौर पे कहा गया था बार बार ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि ईडी एक बायस एक्ट कर रही है, दुर्भावना से काम कर रही है। ये कोर्ट के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी थी, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पे पता था कि ये जमानत सुप्रीम कोर्ट से भी मिल जाएगी और इसीलिए जिस दिन जमानत की अर्जी लगी उससे एक दिन पहले बीजेपी ने अपने तोते सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी की पुनः गिरफ्तारी कराई क्योंकि इसमें जमानत सुनिश्चित थी और बीजेपी उनको जेल के अंदर रखना चाहती थी। आज राउस एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी और अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। लेकिन बीजेपी ये जानती थी कि ये जमानत मिलेगी और यही कारण था कि एक दिन पहले सीबीआई से ये कहानी रचवाई और उनको एक अलग धारा के अंदर गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल जी बहुत जल्द इन सारे केसों से फ्री होके बाहर आ जाएंगे। सीबीआई भी उनको ज्यादा रोकने वाली नहीं है और वो बाहर आके 10 गुना स्पीड से जनता की भलाई का काम करेंगे, दिल्ली के विकास का काम करेंगे, देश को विकसित करने के लिए काम करेंगे, देश को शिक्षित करने के लिए काम करेंगे, देश को स्वस्थ बनाने के लिए काम करेंगे। मैं आज बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपका षड्यंत्र का पर्दाफाश देश के सर्वोच्च न्यायालय ने किया है, अब आपको शर्म आनी चाहिए।
एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, अपने घमंड को खत्म करें, अपने घमंड को खत्म करके षड्यंत्र रचना खत्म करें, विपक्ष पार्टियों को तोड़ने की कार्रवाई करना बंद करें। और ये जमानत आज पूरे देश के सामने साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े और खड़े रहे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।